25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए होने वाली वोटिंग में अपनी जीत पक्की करने और जनता के बीच युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार करने हेतु सभी राजनीतिक दलों ने बैठकों और जनसभाओं की मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में इनेलो की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इनेलो ने बूथ प्रबंधन की रणनीति बनाई। इस बैठक में पार्टी चुनाव प्रभारी प्रकाश भारती, पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला, महिला विंग की कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्षा तनुजा, बूटा सिंह लुखी, इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप, तून खान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आदि ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए भारी संख्या में पहुंचे इनेलो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। सभी वरिष्ठ इनेलो नेताओं ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव प्रचार में अभय सिंह चौटाला की जीत पक्की करने हेतु जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। बैठक में प्रकाश भारती, श्याम सिंह राणा, अर्जुन चौटाला, बूटा सिंह लुखी, तरुजा सहित अनेक इनेलो नेताओं ने अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। बैठक में कल 6 अप्रैल को जननायक ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि देवीलाल चौक पर मनाने की बात भी कही। सभी इनेलो कार्यकर्ताओं को कल 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे देवीलाल चौक पर इकट्ठा होने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर राजकुमार, अभी बाजवा, पालाराम, मोहित कुमार, शुभम शर्मा, कुलबीर पंडित, वीरभान बारवा, शुभम शर्मा, सुधीर सैनी, सुरजीत कौर, नेहा कश्यप, कृष्णा देवी, कांता आदि भी मौजूद रहे। आज यहाँ पहुंचे अनेक जिलों से पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथीगण, हमारे मंच में विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी हमारे सीनियर साथीगण, मैं पहली देर से आए हूँ तो मैं सबके नाम नहीं लूंगा, और जो नाम लेने पे आ गया मेरे को लगता नहीं जी के टाइम काफी निकल जाएगा, तो मैं माफी चाहूंगा जी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करूँगा। पिछले मैं कुछ दो चार चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, हम इस चुनाव की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक हमारी तैयारी, जैसे कि प्रधान जी और उन्होंने आप सभी के साथ बातें करी, आप सभी के साथ राय विमर्श करा, और अलग अलग प्रत्येक कमेटियाँ बनाई गई। उन प्रत्येक कमेटी की सूची जो है वो आप सभी से ली गई, सभी के नंबर लिए गए, और साथ में ये फैसला करा गया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भी प्रोग्राम होंगे, चाहे वो चौधरी अभय सिंह जी के हो, चाहे वो पार्टी के किसी भी हमारे नेता के किसी के भी कार्यक्रम हो, तो उस हिसाब से आप सभी को बता दिया जाएगा, और उसके साथ साथ हम आगे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम करेंगे। सबसे पहले उससे उस बात पे जाने से पहले कि दो तीन चीज़ें हैं जिस पर हम पीछे से काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आप सभी से दो चार मिनट चर्चा करना चाहूँगा। एक हमने जी आज की मीटिंग में एजेंडा रखवाया था कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 3 या 4 बूथ एजेंटों की सूची बनाई जाए। ज़्यादातर क्या होता है जी कि हमारे जो बूथ एजेंट की सूची है वो हमारे चुनाव से 1 हफ्ता पहले बनती है, और जब वो सूची 1 हफ्ता पहले तक तैयार होती है, फिर उसके बाद ये बात चलती है कि भाई जो कैंडिडेट है उनकी सभी बूथ एजेंटों से मीटिंग करवाई जाए। मेरे को इसलिए याद है जी क्योंकि मेरे चुनाव में भी और प्रत्येक जितने भी हमने चुनाव लड़े हैं, ज़्यादातर यही होता है कि बूथ एजेंटों की जो मीटिंग है वो आदमी के 1 हफ्ते में ली जाती है। आप एक चीज़ देखो जी, जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन सबसे ज़्यादा मेहनत, वोटिंग से पहले तो सबकी मेहनत है पर वोटिंग वाले दिन सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो हमारे बूथ एजेंट की। इसलिए हमने मिलकर के ये फैसला करा कि जो हमारे बूथ एजेंट की सूची है वो चुनाव से कम 1 महीना पहले हम पूरी करके, उसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक, किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव करना पड़े किसी भी एजेंट में तो आपको ऐसा नहीं होगा कि समय की कमी है, आपके पास पहले से 1 महीने का समय होगा, तो कहीं पर भी अगर बूथ एजेंट को बदलना भी पड़ेगा तो आपके पास समय भी है और मजबूत साथी को लगाया भी जा सकता। दूसरी चीज़, जो आपके बूथ के एजेंट, उन सभी को एक ऐप दिया जाएगा जिस ऐप के माध्यम से वो जो भी आपकी पोलिंग करती है, जो भी उन्होंने एरिया कवर कराया है उसको लाइव कवर करते जाएंगे। लाइव कवर करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस कोई एक बूथ एजेंट ने भी उसके बूथ में आज पोलिंग कंप्लीट होगी तो उसको पता है कि भाई इसने फलाने ने इसको वोट दिया, इसको फलाने ने इसको दिया, या फिर यहाँ पर ये वोट रह रहे हैं, यहाँ पर फलाने वोटों की कमी किसी भी प्रकार का है, तो जैसे जैसे अपने उसके अंदर डालता रहेगा, उसके पास हर घर की सबकी सूची होगी, वो जैसे जैसे बस उसको कुछ नहीं करना, उसको तो बस एक टिक मार्क यस और नो करते रहना है, वो जैसे जैसे यस और नो करता रहेगा तो उस हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है पार्टी दफ्तर में मिलती रहेगी।
और ये केवल और केवल चुनाव की वोटिंग के दिन के लिए नहीं है, ये बल्कि जब जिस दिन वो हमारा बूथ एजेंट तैयार होगा उस दिन से आखिरी दिन तक वो हमें ग्राउंड पे फीड दे सकता है कि जी वो किस किस से मिल चुका है, किस किस को पक्का कर चुका है, किस किस को चर्चा कर चुका है। लेकिन उसका शर्त ये है कि हमें एजेंट ऐसे चाहिए होंगे जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई साथी होता है वो अपने अपनी बढ़ाई में कह लो या किसी चीज में कह लो, वो कह देगा कि ना जी मेरे वाले में मेरे बूथ में तो सारे हम निकरा दिए हैं, मेरे बूथ में तो 500 वोट आवेंगे, क्या पता उसके पास 400, क्या पता 300। लेकिन वो 500 की नकली इन्फॉर्मेशन का हमें कोई फायदा नहीं। चुनाव तो देखो जी तभी लड़ा जाएगा जब हमें सही मायने में पता है कि हम ग्राउंड में भाग लें। आज हम ताकत के मामले में, अपनी प्रेजेंस के मामले में कहीं कमी नहीं है हमारी, लेकिन कहीं पर अगर कमी आ जाती है वो कई बार हमारी ग्राउंड की रिपोर्टिंग में आ जाती है। आज मेरा ये मकसद ही कहने का, बूथ एजेंट की लिस्ट बनाने का, डेटा पे काम करने का, रिपोर्टिंग पे काम करने का इसलिए है क्योंकि आज हमारा जो विरोधी है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा भाई हमारा विरोधी किस विचारधारा का है, किस प्रचार का, किस प्रकार का विरोधी है। आज हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस से नहीं है, कोई एक आदमी से नहीं, हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ। एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है इस देश के अंदर जिस सिस्टम के तहत कोई आम आदमी की तो सुनवाई बहुत दूर की बात, मेरे ख्याल से जो लोग राज कर रहे हैं उनकी सुनवाई भी नहीं आ रही। आज हमारी लड़ाई केवल और केवल बीजेपी के साथ है और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो आपका विरोधी है वो ऐसा विरोधी है जो ना तो दिल से काम करता है ना ही किसी और चीज से काम करते हैं, एक ऐसा विरोधी है जो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे काम करता है। आप एक चीज देखो, ये बड़ी हैरानी की बात है, पिछले आपने कई दिनों में अखबारों में पढ़ा होगा, अब हरियाणा में भी बात चल पड़ी है कि भाई जो इनके लोकसभा के 3-4 कैंडिडेट हैं इनको ये बदलने की बात कर रहे हैं। और पिछले एक साल में आपने कितनी बार सुना है कि भाई कोई आदमी है, कोई वसुंधरा राजे जैसी भी इतनी बड़ी CM जिसने मेरे ख्याल से इस BJP को राजस्थान में तो कम से कम 15 साल जिंदा रखा और वो एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, उसको बोला भाई चलो ठीक है भाई जयराम जी के आपने बड़ी मेहनत करी काम करो, और सीधा एक ऐसा आदमी उठा के उस प्रदेश के ऊपर लाने का काम करते जिसको शायद से उसके हल्के के लोग ना जाने। हरियाणा में भी यही करा था, अभी भी जो आपका नया मुख्यमंत्री बना है वो कोई मेहनती आदमी नहीं है, वो पब्लिक में जाने वाला आदमी नहीं, भाई मुख्यमंत्री तो होया करते थे चाहे हमारे विरोधी रहे, मुख्यमंत्री एक समय में होते थे भजनलाल जैसे, बंसीलाल जी जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे, जननायक चौधरी देवीलाल जी जैसे। क्यों? क्योंकि वो घर घर तक जाने का काम करते थे, गांव गांव तक जाने का काम करते थे। आज मैं शर्त मार के कह सकता हूँ आपका कुरुक्षेत्र का MP आज मुख्यमंत्री तो बन गया, पर वो मेरे ख्याल से आज तक कुरुक्षेत्र टप्पी करनाल तक नहीं गया होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे काम करते हैं, इनका किसी आदमी से कोई लेना देना नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा,